पाकिस्तान से अपने प्रेमी सचिन के लिए अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान में ही धमकियां नहीं मिल रही हैं, बल्कि भारत में भी सीमा हैदर को लेकर कई चेतावनियां जारी की जा चुकी हैं। हालांकि सीमा हैदर अब सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। इस बीच करनी सेना ने सीमा हैदर को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। करनी सेना ने कहा है, करनी सेना इसको इस नज़र से देखती है कि हिंदुस्तान क्या इन्होंने ये कोई अनाथाश्रम बना लिया है कि जिसका मन होता है वहाँ पर चले आए। जिस रास्ते से जिस तरीके से आई है वो बिल्कुल शत प्रतिशत पाकिस्तानी एजेंट है। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि इसको ATS बहुत शीघ्र शीघ्र अगर कार्रवाई करती है तो अच्छा है, वरना करनी सेना इसको उठा के और पाकिस्तान के बॉर्डर से वहां जाकर फेंक देगी इसको ले जाके। सीमा का हो फुल बॉडी स्कैन। रावल ने सीमा हैदर को पाकिस्तानी एजेंट बताया और कहा कि मैं इसको आतंकवादी ही कहूंगा क्योंकि इसको न तो अभी तक अभी किसी ने चेक किया, इसको चेक करना चाहिए था कि इसको कहीं चिप तो नहीं लगी हुई है। चार बच्चों को लेके आई है और जिस रास्ते से यहाँ से दुबई जाना, दुबई से क्या कहते हैं नेपाल और नेपाल से फिर भारत आना, और इसने ये भी कहा कि मुझे यहाँ का वीज़ा नहीं मिल रहा था। जब वीज़ा नहीं मिल रहा था और हमारे पाकिस्तान से संबंध अच्छे हैं नहीं, तो इसको यहाँ आने की क्या थी। दूसरा, ये लव का जो मामला है, ये प्यार में आशिकी में जो मशगूल हो रहा है, क्या नाम है उसका, उसको ये नहीं लग रहा कि पूरे देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है ये। इसको पूरे देश में जो खतरा पैदा हो रहा है ये सब खतरा पैदा नहीं होने देंगे। UP ATS की कार्रवाई का स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम UP STS के कदम का स्वागत करते हैं, साथ ही धमकी भी दी गई है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया तो सीमा हैदर को पाकिस्तान बॉर्डर पर फेंक देंगे। UP ATS ने सीमा हैदर, उसके प्रेमी सचिन और सचिन के पिता से सोमवार को नोएडा में एक अज्ञात जगह पर कई घंटों तक पूछताछ की थी। मुकेश सिंह रावल ने कहा कि 15 अगस्त करीब है, इसे लेकर कोई भी बड़ी प्लानिंग या बड़ी साजिश की जा सकती है। उसे इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है, उसे खुले में क्यों छोड़ दिया गया है, उसे जल्द से जल्द भारत से बाहर भेजा जाना चाहिए। बता दें कि इससे पहले गौरक्षा हिंदू दल ने भी सीमा को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो आंदोलन छेड़ देंगे। सीमा हैदर को लेकर बढ़ते विवाद और लगातार मिल रही चेतावनियों के बीच सीमा एजेंसियों के रडार पर है और इसको लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ।